हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने वीडियो को कैसे अपलोड करें। जी हाँ दोस्तों, आज की एकदम अलग तरीके से और कैसे अपलोड करना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कि हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सोम सम्राट, आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑनलाइन सोम। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें, साथ ही आप वीडियो भी लाइक कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप या तो यूट्यूब से अपलोड करते होंगे वीडियो, लेकिन आज मैं एक अलग तरीके से और एक बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ जहाँ से आप कि वीडियो ज़्यादा वायरल होने की संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि सही तरीके से वीडियो कैसे अपलोड करें, यानी कि हम दूसरा ऑप्शन क्या है। हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो हम यूट्यूब से अपलोड कर सकते हैं, दूसरा हम क्रोम से। तो चलते हैं आज की वीडियो में बताने वाले क्रोम से कैसे वीडियो अपलोड करें। हमें अपना क्रोम खोलना है, आप देख रहे हैं क्रोम पे क्लिक करना है। क्रोम पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सर्च करना है यूट्यूब, या तो आपके ऑप्शन पे दिख रहा है तो आपको ऑप्शन यूट्यूब पे क्लिक करना है। यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद आप जैसे देख रहे हैं हमारा यूट्यूब खुल चुका है। यूट्यूब खुलने के बाद आप यहाँ पर ऊपर आपका लोगो पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है थ्री डॉट, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने बाद आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है डेस्कटॉप पे, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे टिक करने बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा कंप्यूटर के जैसा। जैसे ही हमारा ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। अब ऐसे खुलने बाद थोड़ा मैं इसको बड़े में कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको साइड में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में राइट में आपका लोगो दिख रहा है यहाँ पे आपके चैनल का। यहाँ चैनल का लोगो है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे लोगो के ऊपर, और फिर साइड में कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा सेटिंग। तो हमें यहाँ पे लिखा है प्राइवेस एंड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक बार दूसरे ऑप्शन पे योर चैनल के नीचे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ हमारा ऐसा इंटरफेस खुलेगा, मैं एक बार अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुल चुका है। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको थोड़ा बड़ा करना है। बड़े करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका लोगो दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक लाइव वीडियो का है और एक वीडियो अपलोड करने का। मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर की साइड में, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन, एक तो ये अपलोड करने का ऑप्शन और एक लाइव का दिखा रहा है। तो हमें अपलोड करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपको मैं यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन वीडियो अपलोड करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ऐसा इंटर क्लिक करेंगे आपका कुछ यहाँ पे फाइल खोलने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि नीचे की ओर आपको यहाँ फाइल में आप क्लिक करेंगे। अपने फाइल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपकी वीडियो के लिए पूछ रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो जो आपने वीडियो कर रखा है उसको अपलोड करने के लिए, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसे वीडियो हमारी अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम कुछ देखिए आप ऐसा इंटरफेस खुल चुका है, तो थोड़ा हम इसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं आपको यहाँ टाइटल डालना है, यानी जो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको टाइटल डालना है वीडियो में, यानी वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर आपने बनाया है। तो मैं इसको काट देता हूँ और यहाँ पे टाइटल डालता हूँ। तो जैसे कि मैंने जो बनाया है टाइटल में डालने का क्रोम से वीडियो कैसे अपलोड करें,
तो यहाँ पे मैं डालता हूँ आपको क्रोम से वीडियो कैसे अपलोड करें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया, अब यहाँ पे आपको देख रहा डालना है डिस्क्रिप्शन में। तो आप तो आपको जो भी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या डालना चाहते हैं वो चीज़ डिस्क्रिप्शन में डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे डाल के आपको दिखाते हैं। अगर चलिए आपने अगर आपने बना के रख रखा है तो आप डालिए, नहीं बना के रख रखा है तो आप मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको तो मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ आपको। मैंने कॉपी कर रखा है यानी पेस्ट, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है और ये हो गया है। और नीचे आपको दिखा रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे थंबनेल, तो आप यहाँ देख रहे होंगे, एक सेकेंड, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है थंबनेल लगाने का, यहाँ पे अपलोड थंबनेल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये गैलरी आ चुकी है। गैलरी पे हम अपने क्लिक करेंगे, यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ पे हमें जो थंबनेल हमने बना रखा है लगाने के लिए, तो वीडियो अपलोड करने का सही तरीका है तो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे वीडियो इसे सेट कर देते हैं। तो हमने थंबनेल लगा दिया। तो और यहाँ पे फिर देखते हैं, यहाँ पे नो प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे यानी कोई चीज़ नहीं। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे पे आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है यहाँ पे आपको नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यानी कि आप किस एज के बच्चों को ये वीडियो दिखाने के चाहते हैं नहीं, तो आपको यानी कि यस इट एम मेड फॉर की, यानी कि आपको दिखाना या नहीं दिखाना, तो आप नो पे कर दीजिए और ओके कर दीजिए। और आपको यहाँ पे साइड पे आने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आइए और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। और ये देखिए, और फिर इंटरफेस आएगा ऐसे ही, नेक्स्ट के बाद फिर एक बार आएगा, यहाँ सेव कर दीजिए। सेव करने बाद तो आप यहाँ देख रहे हैं वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे, तो आप वीडियो ऐसे अपलोड करनी। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बताएं कौन सी वीडियो आपको चाहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन टच कर दें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।